seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm all right And for the first time in a long time I'm all right I've seen a lot of change Hi guys welcome back my channel Maha Khan vlog and welcome back my another vlog Assalamu alaikum everyone I hope you sab are se humge. सेफ होंगे अपने अपने घरों में मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह टाइम हो रहा है मॉर्निंग एलेवन ओ क्लाक आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ कराची में इतनी सर्दी हुई हुई है कि बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता उठने को ये भी एक प्रॉब्लम चल रहा है सर्दियों में बिल्कुल भी कंबल से बाहर निकलने को दिल नहीं चाहता बस बहुत ज्यादा सी फ्रीजिंग सी हवा है और सर्दी है नाश्ता बाहर से आया हुआ है हलवा पूरी और आज बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से मूड भी हो रहा था हलवा पूरी खाने का तो बस मैं हलवा पूरी खा रही हूँ और बहुत मज़ेदार ये हलवा पूरी है सच में गायस सुबह सुबह आपको हलवा पूरी मिल जाए तो दिन ही बन जाता है मेरी नज़र में बाकी मुझे किसी और का नहीं पता जाहिर सी बात है डिफरेंट पसंद होती है हर किसी की और हलवा पूरी खाने के बाद आपको पता है लंच तो मैं करती ही नहीं हूँ जब आप प्रॉपर एक मील ले रहे हो सुबह तो फिर आपको लंच को स्किप करना बहुत ज़रूरी है शाम की चाय में आप कुछ लाइट सा ले लें और खैर हर, हर चीज़ लाइट तो नहीं होती जैसे चिप्स हो गए लेकिन कुछ चीज़ें आप ले सकते हैं कम क्वांटिटी में यानी कि आप पूरा पूरा पैकेट खा रहे हैं तो आपका वेट बढ़ेगा इस तरीके से तो आप थोड़ा थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ लें और इंजॉय भी करें और खुश भी रहें इससे बिल्कुल भी आपको किसी भी किस्म की टेंशन नहीं होगी मैं तो हमेशा यही करती हूँ अब मैं आपको दिखा रही हूँ मैं ये बेकरी से लेकर आई थी और ये मूंग की दाल ओ माय गॉड फ्राई दाल जो होती है चुड़वा था और चने की दाल थी मसाले वाली और चिप्स थे तो अब मैं इसे शाम की चाय बनाने लगी थी तो मैंने कहा साथ ये चीज़ें भी सर्व कर लेती हूँ शाम की चाय के ऊपर हमेशा मैं अहतमाम करती हूँ कुछ चीज़ें बाहर से भी लेकर आ जाती हूँ कुछ चीज़ें अगर मैं घर में बना रही हूँ तो वो भी सर्व करती हूँ तो शाम के वक्त एहतमाम करना और चाय को स्पेशल बनाना मुझे शुरू से बचपन से ही बहुत पसंद है और हमारे घर में हमेशा से यही होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं अब जो भी घर में होता है वो हम लोग सर्व करते हैं कभी कोई चीज़ बना लेते हैं वो सर्विंग पे आ जाती है तो और कभी कभी कुछ चीज़ें लेकर आए हुए होते हैं तो वो भी सर्व कर देते हैं चाय के साथ तो शाम में बहुत अच्छा लगता है सिंपल चाय पीना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होते हैं ना कुछ लोग कि वो शाम में सिर्फ और सिर्फ सिंपल चाय पीना पसंद करते हैं जुड़वा चिप्स मैं हमेशा वीकली ला घर में रख लेती हूँ और मैं इसे अब कंटेनर में निकाल के रख दूंगी थोड़ा थोड़ा निकालने के बाद इससे ये होता है ये चीज़ें सेफ़ हो जाती हैं और वीकली आराम से चलती हैं वैसे मैंने इस दफ़ा थोड़ा कम ही लिया है क्योंकि सर्दियों में ये चीज़ें खाने को इतना दिल नहीं कर रहा वरना तो ये चीज़ें हमेशा ही घर में होती हैं अच्छा मुझे सर्दियों में मीठे की बहुत ज़्यादा क्राइविंग होती है तो मैं मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हूँ स्पाइसी चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पसंद लेकिन हाँ मैं सब कुछ खाती हूँ अलहमदुल्ला और सब घर वाले माशाल्लाह से खाना पसंद करते हैं कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको कभी कभी मीठे की क्राविंग होती है और कभी कभी आपको स्पाइसी फूड की क्राविंग आपकी बढ़ जाती है और जब से विंटर स्टार्ट हुए हैं मुझे मीठे की बहुत ज़्यादा क्राविंग हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा मीठा खा रही हूँ और इस बात से भी मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरा वेट ना बढ़ जाए पर अलहदुल्ला मैंने कल ही चेक किया था मेरा वेट वही है लेकिन सच में मीठा खाने की क्राइविंग मेरी कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है जिसको मुझे कंट्रोल करना होगा और स्किप करना होगा मीठे को क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा भी जबकि मैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ सारा दिन में एक आध कोई चीज़ ले ली तो ले ली वरना तो वो भी अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ अब आप देख लें मैं कितनी कम क्वांटिटी में चीज़ें निकाल रही हूँ बहुत ज़्यादा भर भर के प्लेटें मैं बिल्कुल भी सर्फ नहीं करती हूँ क्योंकि इससे तो चीज़ें वेस्ट भी होती हैं और ये चीज़ें इतनी खाई भी नहीं जाती हैं थोड़ा सा बस मंचिंग करने को दिल चाह रहा हो होता है तो वो आप कर लें और चीज़ ज़ाया भी नहीं होगी और आपके दूसरे दिन काम भी आ जाएगी तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है इस बात को भी याद रखा करें मेरी सिस्टर ने बस अचानक मुझे आके बोला है कि न्यू ईयर आ रहा है तो हमने उसकी कोई शॉपिंग नहीं की बताएँ ज़रा अब पहले विंटर विंटर की शॉपिंग थी अब न्यू ईयर की शॉपिंग है तो बंदा कहाँ जाए अब उनको न्यू ईयर की भी शॉपिंग करनी है सही बात है भाई पूरी दुनिया न्यू ईयर में ही शॉपिंग कर रही होती है और हम लोग विंटर पर इतना कुछ स्पेंड कर चुके होते हैं <laughs> कि न्यू ईयर के लिए कुछ बचता ही नहीं है जैसे आपने मेरे व्लॉग में शुरू में देख लिया होगा कि ये व्लॉग शॉपिंग व्लॉग है और मैं आज अपनी सिस्टर के साथ जा रही हूँ शॉपिंग करने और बहुत ज़बरदस्त शॉपिंग हम लोगों ने की है आप लोग जरूर देखिएगा मैं आ गई हूँ शॉपिंग सेंटर और ये देख लें आप ब्राउन कलर की इतनी वॉमी मतलब ये गर्म शर्ट थी और बहुत डिजाइनिंग इसकी बहुत ज़बरदस्ती थी पूरा कुर्ते जैसी थी और ये आप लोग लॉन्ग कोट आज मेरी सिस्टर को लॉन्ग कोट चाहिए था ये देख लें आप कितना कंफर्ट है ये ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है फिर भी ये लॉन्ग है और ये कोट्स उनको चाहिए थे और ये देख लें विदाउट आस्तीन ये भी पूरा कोट है और ये कोट मुझे इतना पसंद आया ना गाइस मैंने अपनी सिस्टर को बोल दिया कि बस आप यही लें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और हम लोगों ने यही बाय किया था और जब वो लेने के बाद दिल नहीं भरा तो इस कलर में सेम टू सेम वैसे ही कोट है डिज़ाइनिंग बिल्कुल वही है और कलर डिफरेंट है उन्होंने कहा कि आप भी ले लें तो मैंने भी ये कोट ले लिया है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज्यादा फॉर्म कोट थे ये देखें गाइस ये भी एक कोट था लेकिन इसका ना थोड़ा सा ओल्ड ओल्ड टाइप का मुझे डिज़ाइन लगा तो मुझे अच्छा नहीं लगा ये वो दो कोट मैंने ले लिए हैं बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे वो कोट लगे और मेरी सिस्टर को कुछ स्टाइलिश शर्ट्स भी चाहिए थीं तो हम लोग वो देख रहे थे मगर उनका इसार ये था कि स्टाइलिश के साथ कंफर्ट भी हो तो मुझे ये बहुत कंफर्ट लगी और मैंने ये भी बाय कर ली उनके लिए बहुत ज़्यादा पसंद आई मुझे ये कलर और एक ये रेड थी रेड मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी तो मैंने इसे अवॉइड किया और मैंने पिंक जो आतिशी टाइप की कलर था वो ले लिया और ये ब्राउन वाली शर्ट भी मैंने ली है ये स्टाइलिश भी थी और कंफर्ट भी बहुत अच्छा था इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और अब मैं मैन सेक्शन में आ गई थी यहाँ से मुझे कुछ लेना नहीं था मैं कुछ ले गई थी और बस वो मैं चेंज करवा रही थी साइज़ का प्रॉब्लम था तो मैंने साइज़ चेंज करवा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह और आते हुए मैं खाना लेकर आई थी घर में क्योंकि घर में गैस का आपको पता है कितना प्रॉब्लम चल रहा है रात को तो गैस होती ही नहीं है और पूरे कराची में नहीं होती है तो ये प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने कहा कि चलिए आज बाहर का खाना एंजॉय करते हैं आज तो पूरा दिन ही बाहर की चीज़ें घर में चल रही हैं वजह यही है कि गैस का प्रॉब्लम है और सारे ही लोग इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं बर्दाश्त कर रहे हैं अब क्या कर सकता है इंसान सच में गाइस मैं तो ये सोचती हूँ जो बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब हैं वो किस तरीके से बाहर का खाना अफोर्ड कर सकते हैं साहिर सी बात है उनको कुछ ना कुछ बचत करनी होती है सारा दिन में तो दूसरे दिन वही बचत उनके काम आती है मगर क्या कर सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इन लोगों ने क्रिएट की हुई है कोई भी इनका आ... इनपुट नहीं है चीज़ में कि ये लोग इस मसले को सॉल्व करें हुकूमतें आ रही हैं जा रही हैं लेकिन कोई सलूशन नहीं निकल पा रहा अब तो सर्दियों से ही खौफ आना शुरू हो जाता है कि मतलब कितनी चीज़ों को बंदा अवॉइड करे गीज़र अवॉइड करे क्या क्या गर्म पानी कितना ज़रूरी होता है सर्दियों के अंदर हर चीज़ को अवॉइड करे और सिलेंडर यूज़ करे अब हर कोई कंफर्ट नहीं फील करता सिलेंडर यूज़ करने में तो जो ये नहीं कर सक रहे हैं वो क्या करें वो कहाँ जाए तो बहुत ज़्यादा टेंशन हुई हुई है और विंटर आ चुका है विंटर में कभी भी लाइट नहीं जाती है इस बार लाइट भी इतनी ज़्यादा जा रही है ये भी समझ नहीं आ रहा है आप लोग गैस नहीं दे रहे हैं तो कम से कम लाइट ही दे दें कि बंदा लाइट के ऊपर ही गीज़र ऑन कर ले या कुछ कर ले अपने लिए ओवन में चाय बना ले खाना गर्म कर ले कुछ तो करे बंदा तो बस इन्हीं सारे मसलों को झेलते हुए आज का ज़िंदगी चल रही है <laughs> मैं तो यही कहूँगी ना गाइस सच में हंसी आ जाती है कि हम कौन सी सदी में रह रहे हैं बाहर एक मिनट के लिए भी लाइट बंद नहीं होती है और यहाँ पे यहाँ पे तो वेलकम ही जब होता है पाकिस्तानियों का जब वो देखते हैं आते हैं बाहर से कि भाई लाइट नहीं है तो वेलकम होता है वो मुझे तो यही लगता है ये सारी बातों में तो मेरा मज़ेदार खाना आपके साथ शेयर ही नहीं कर सकी मैं ठीक तरीके से तो गाइस ये मैं लेकर आई हूँ गर्मा गर्म पूरी पराठा और उसके साथ टिक्का बहुत ज़्यादा स्पाइसी टिक्का है ये और मसाले वाला बारबेक्यू वैसे भी बहुत अच्छा लगता है और सर्दी में तो बारबेक्यू खाने का अपना ही मज़ा है तो बस इसके साथ मैंने ली थी चौमिन ये तो हमेशा आती है और ज़रूर आती है इसके बगैर शायद खाना हज़म ही नहीं होता हम लोगों का हम लोग कुछ भी ऑर्डर करें चॉमिंग ज़रूर उसमें हम लोगों ने इंक्लूड करनी होती है क्योंकि सबको पसंद है और सबसे ज़्यादा तो मुझे पसंद है तो मैं इसलिए ज़रूर चॉमिंग को हमेशा वैल्यू देती हूँ <laughs> ये भी तो होता है जो चीज़ इंसान को ख़ुद पसंद होती है इंसान बोलता है कि नहीं भाई मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं भी उसी में से हूँ कि बस मुझे ये चीज़ चाहिए हर हाल में चाहिए तो ये मैं देखें इसके साथ फ्रेश सैलेट था बहुत मज़ेदार सादा सा मज़ेदार सैलेड था बहुत सारी चटनियाँ थीं और हरी चटनी लाल चटनी और दही वाला रायता था इसके साथ और पूरी पराठे में आप इसका एक पीस लें तिक्के का और पूरी चटनी आप उसमें लगा के खाएं तो वह मुंह में आपका बस जायका ही रह जाएगा सच में गाइस बहुत यमी होता ये ब्रोस था और ब्रोस भी बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है इसलिए मैं अपनी पसंद <laughs> मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज अपनी पसंद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं और मैंने आपसे कहा था कि मैं घर वालों के लिए खाना लेकर आई हूँ मगर सच में गैस जो मेरी पसंद है वो सभी की पसंद है और सभी ये चीज़ें पसंद करते हैं तो हमारी पसंदें बहुत ज़्यादा मिलती हैं आपस में और हम लोग सब वही खाना पसंद करते हैं जो फैमिली में सब को पसंद होता है हमारी इतनी कोई ख़ास अपनी आलादा सी पसने नहीं होती हैं और जब बात हो रही हो बारबेक्यू की तो को कोई कैसा अवॉइड कर सकता है मेरे ख्याल से नाइन्टी नाइन परसेंट लोगों को टिक्का पसंद है तो ये होता है कि सबकी पसंदें आपस में मिलती जुलती हैं मुझे बस ट्रॉमिंग पसंद है घर में बाकी भी सिस्टर्स को ट्रॉमिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और अगर किसी को स्पाइस नहीं खाना तो वह रोज़ सिंपल खा सकता है तो हर चीज़ मद्देनज़र रखते हुए मैं पूरे खाने का मेन्यू तरतीब देती हूँ जब बाहर से मैं खाना लेकर आती हूँ या मैं ऑर्डर करती हूँ तो मैं इन बातों का ज़रूर ख्याल करती हूँ गाइस मैं मिलूँगी आने वाले व्लॉग में आपसे कल और ये मेरा फूडी सा शॉपिंग का मज़ेदार सा व्लॉग आप सबके लिए गाइस व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिस मिल